नगर पंचायत भोटा में लगभग 4 वर्षों के बाद मिला सीवरेज योजना का लाभ। इससे पहले कई बार सीवरेज योजना के टेंडर लगाए गए पर सिरे नहीं चढ़े, कई बार रद्द हो गए, पर अब जाकर सीवरेज योजना काम शुरू हो गया है। सीवरेज योजना की पाइपों का पहला ट्रक भोटा पहुंचा। ज्ञात रहे कि सितंबर 2015 में बड़सर क्षेत्र के विधानसभा के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र से भोटा नगर पंचायत के 8.89 करोड़ सीवरेज योजना स्वीकृत करवाई थी और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने फरवरी 2016 में विश्राम गृह के पास सीवरेज योजना का उद्घाटन किया था। भोटा नगर पंचायत के पूर्व प्रधान व पार्षद शरण प्रसाद का कहना है कि नगर पंचायत भोटा में जो सीवरेज का जो कार्य, ये भोटा वासियों का सपना रहा है जो अब पूरा होने जा रहा है। जिन लोगों ने टैंक बना रखे हैं उनसे उन्हें निजात मिलेगी। भोटा सीवरेज योजना के तहत पाइपों का पहला ट्रक भी पहुंच चुका है। वहीं सीवरेज योजना के तहत सभी वार्डों में 10 से लेकर 16 किलोमीटर तक सभी वार्डों में छोटी व बड़ी पाइपें डाली जाएंगी। वहीं जो लेबर इस कार्य को शुरू करेगी, जहां जहां खुदाई का कार्य शुरू होगा जनता इसका सहयोग करे। जब सीवरेज योजना का कार्य पूरा हो जाएगा तो जनता को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। वहीं पार्षद शरण पार्षद ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का सीवरेज योजना का कार्य शुरू होने पर आभार व्यक्त किया है। वहीं सीवरेज योजना के ठेकेदार पवन का कहना है कि इस सीवरेज योजना के कार्य को पूरा करने में 2 वर्ष का वक्त लगेगा। सब ऐसा है कि नगर पंचायत भोटा का ये जो सीवरेज का कार्य है, ये नगर पंचायत भोटा के सभी क्षेत्रवासियों का सपना रहा है। आज ये सपना पूरा होने जा रहा है और ये पाइपों का पहला ट्रक जो भोटा पहुँच गया है, इससे स्वाभाविक तौर पर लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। लोगों ने बहुत समय से अपने सपने से जो रखे हैं कि सीवरेज का कार्य जल्दी शुरू हो, ताकि जो उन लोगों ने टैंक बना रखे हैं उनसे उन्हें निजात मिले और नगर पंचायत से उन्हें भरपूर सुविधा मिले। ये जो हमारा सीवरेज का कार्य है, वर्ष 2015 में 20 सितंबर 2015 को इस कार्य की इंडिया हुई थी प्रदेश सरकार द्वारा, और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 16 फरवरी 2016 को इसका शिलान्यास भोटा रेस्ट हाउस के पास किया था। उसके उपरांत इसके केवल टेंडर लगाए गए, परंतु प्रशासनिक कार्यों से इसके टेंडर सिरे नहीं चढ़ पाए और मौजूदा सरकार के समय में इसका फिर टेंडर किया गया और अभी टेंडर जो है विभाग ने पूर्ण रूप से अवार्ड कर दिया है और ठेकेदार द्वारा जो है इसका कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसलिए मैं हमारे जो वर्तमान विधायक हैं लखनपाल आईडी लखनपाल जी, उनका भी धन्यवाद करूँगा। मैं प्रदेश के वर्तमान मुखिया मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और भोटा के लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ की सौगात दी है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार, स्थानीय विधायक और जल शक्ति विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करूंगा कि हमारी स्थानीय जनता, हमारे जितने भी शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, इस कार्य में अपना सहयोग देंगे और जल्द से जल्द जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो सभी लोग इसका विशेष लाभ लेंगे। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो सीवरेज है, ये इसकी जो पाइपें हैं, छोटी और बड़ी पाइपें मिलाकर के लगभग 10 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक पूरे भोटा बाजार में सभी वार्डों में लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की पाइपें डलेंगी। तो मैं सभी से, स्थानीय जनता से, बहन भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी इस कार्य में लेबर लगी है, जहाँ जहाँ भी खुदाई होनी है वहाँ पर लोग कर्मचारियों का सहयोग करें ताकि कार्य जो है शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो सके। एक बार फिर मैं समस्त भोटावासियों और प्रदेश सरकार, माननीय विधायक ओपी लखनपाल, इंद्रदत्त लखनपाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों के आशीर्वाद से आज ये कार्य जो है शुरू हुआ है, और भोटावासी, प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।